संजीव जी, अगर यही रवैया रहा सत्ता पक्ष के अहंकार का, अगर मोदी जी ने यह मान लिया कि हमें विपक्ष की कोई हैसियत समझनी नहीं है, विपक्ष की कोई भूमिका निभानी नहीं है, जो मन में आया वो करो, तो क्या सदन चल पाएगा? आप विपक्ष उतना कमजोर नहीं है कि आपके 50 सांसद से भी कम सांसद है कांग्रेस के, कुल मिला के 100 सवासों हैं, तो विपक्ष की आप परवाह नहीं कर रहे हैं। अब आपके सामने एक ताकतवर विपक्ष है और मोदी जी को मिर्ची लगाने के लिए नेता विपक्ष जो है वो राहुल गांधी हैं, और नेता विपक्ष की बड़ी भारी भूमिका होती है, वो लोक लेखा समिति के फैसले देख सकता है, सरकार के कामकाज पर निगाह रखता है, कैबिनेट मिनिस्टर का दर्जा होता है उसको, और प्रधानमंत्री के बाद सबसे महत्वपूर्ण व्यक्ति वो ही होता है, दूसरे नंबर पे आता है, बाकी कैबिनेट मिनिस्टर उसके बाद में आते हैं, नेता विपक्ष की बड़ी भारी भूमिका होती है। तो क्या माना जा रहा है कि अगर अब सरकार थोड़ी भी दाएं बाएं होंगी तो वो नेता प्रतिपक्ष कहेंगे, नेता विपक्ष कहेंगे, जरा मुझे इलेक्ट्रॉल बॉन्ड की फाइलें दिखवा दीजिए, जरा मुझे बता दीजिए कि कहाँ कहाँ कैसा पीएम केयर फंड में निवेश हुआ है, सरकार के खर्चों पर निगाह रखेंगे, तो वो पूछेंगे कि पिछले 10 सालों में गोदी मीडिया के लिए कितनी कितनी राहत दी गई है, जरा वो भी बता दीजिए। ये सारी बातें अब पूछने की स्थिति में आ जाते हैं वो, तो एक बड़ी भूमिका अदा करेंगे। तो क्या लगता है आपको कि क्या सीन नजर आएगा अगर सरकार टकराती है तो? नहीं देखिए, अब सरकार में टकराने जैसी स्थिति में सरकार नहीं है सर, भले ही उनके पास जो नंबर 293 का है, लेकिन 293 में हम सीधी बात करें तो जो आप बात कहते हैं, भारतीय जनता पार्टी के 240 सांसद हैं और 233 सांसद इंडिया गठबंधन के हैं, जिन्होंने पूरी फ्रीडम राहुल गांधी को भी दी होगी और वो खुद चाहते हैं कि अब देखिए सीधा सदन में टकराव मोदी वर्सेस राहुल गांधी होना है, बीच में कोई भी नहीं। और राहुल गांधी ने बीती जो दो यात्राएं की उसमें जिस तरीके से उनका कद बढ़ा और उन्होंने जो परिपक्वता दिखाई है, मुझे स्पष्ट तौर पर दिखाई देता है कि सदन में भी कुछ ऐसे ही नजारे बारंबार आएंगे। अब मांग की जाएगी कि इस मामले पर प्रधानमंत्री जी जवाब दें, ये सवाल का जवाब प्रधानमंत्री की ओर से आना चाहिए। तो ये टकराव बढ़ेगा और बढ़ने के साथ, और आपने जो बात कही, अब उन्हें जो लीडर ऑफ अपोजिशन बनाया गया, उनके बहुत सारे अधिकार हैं, उन अधिकारों में जो अपने फाइनेंशियल जो पोजीशंस होती हैं उसको देखने का अधिकार भी उनके पास है, वो लोक लेखा समिति के मुखिया भी होने वाले हैं। तो तमाम ऐसी स्थिति है जो अब हर दिन आप ये जो अहम और जो आप जो आपको कहीं भ्रम है, ये भ्रम अब मुझे नहीं लगता कि बहुत चल पाएगा। और सबसे खास बात ये भी है संजय सर कि जो TDP है या यूनाइटेड जनता दल है, उसके अपने इंटरेस्ट हैं, अभी भले ही वो खामोश है, कितने दिन वो हर मुद्दे पर साथ खड़ी होगी? और जब आप एक बहुत अच्छा हथियार होता है कि आप सदन से अगर आप अनुपस्थित हो जाएं, उस स्थिति में क्या होगा? और ये जो 16 दीगर सांसद हैं अलग अलग, ना वो एनडीए का हिस्सा है ना इंडिया का हिस्सा है, उनमें दावा अभी आज किया जा रहा है कि हम 307 तक ले जाएंगे, और 307 में वो सात उन सांसदों की बात करें, उसमें कुछ तो जेल में बंद है। गोदी मीडिया ये दिखा रहा है कि वो सात सांसदों ने भी इन समर्थन दे दिया है एनडीए को, और उनका संख्या बल 304 हो गया है और YSR PB हो गया है और तमाम दावे हो रहे हैं। लेकिन इन सबके बीच जो नंबर गेम में बहुत महीन सा अंतर है, और ये हम कई बार कहते हैं, मैंने एक बार पहले भी अपनी बातचीत में कहा है कि इस वक्त जो है मोदी है वो हम उसे ऐसे भी देख सकते हैं कि दांतों के बीच में जीभ की ताजपोशी हुई है, और ये जीभ कब कट जाएगी पता नहीं चलेगा। तो ऐसे हालातों में अगर ये संभल कर नहीं चलते हैं साहेब, तो मुझे लगता है कि बहुत दिन ये सरकार चल पाएगी नहीं लगता, और कभी भी कुछ भी हो सकता है। संजय सर बिल्कुल ठीक बात है। बीच में हमारे संग अरुण दीक्षित जी जुड़ गए हैं, बहुत सीनियर जर्नलिस्ट रहे हैं, बहुत बड़े बड़े अखबारों के संपादक रहे हैं। अरुण जी स्वागत है आपका। ये टकराव टल सकता था अगर सत्ता पक्ष थोड़ा सा बातचीत के रास्ते खोलता, लेकिन ये जो बिल्कुल अहंकार है कि हमें विपक्ष से बात ही नहीं करनी है, एक डिप्टी स्पीकर पद की मांग परंपरा के तहत मिल जाना चाहिए विपक्ष को, वो देने को तैयार नहीं है। जय आपके आने से पहले मैं कह रहा था कि वो महाभारत का सीन है, पांडवों ने सिर्फ 5 गांव मांगे थे लेकिन वो 5 इंच जमीन देने को तैयार नहीं हुए थे। लेकिन अरुण जी अब उतना कमजोर विपक्ष नहीं है, आपको क्या लगता है कि अगर ये टकराव का रास्ता टल जाता ज्यादा बेहतर होता, क्यों चुनाव होना पड़ा स्पीकर पद के लिए, आपका मानना क्या है? देखिए संजय जी, सबसे बड़ी चीज ये है कि पहले हम ये समझ लें कि रस्सी जल गई ऐंठ नहीं गई। नरेंद्र मोदी अभी ये मानने को तैयार नहीं है कि वो 400 पार न जाके 240 पे अटके, और उनके साथ जो बैसाखियां लगी हैं वो उतनी भरोसे की नहीं है। क्योंकि देखिए, अगर हम कुत्ता पालते हैं और उसको भी थोड़ा डंडा दिखा देते हैं, पीट देते हैं, तो बहुत दिन वो बात भूलता नहीं है। और जो दो नेता हैं
चाहे नीतीश कुमार हो, चाहे वो चंद्रबाबू नायडू हो, जो बड़ी बैसाखियां उनकी, इन दोनों के साथ मोदी ने जो किया है वो हम और आपको याद है तो फिर लोग कैसे भूल गए होंगे। तो पहली चीज नरेंद्र मोदी को ये मान लेना चाहिए कि वो एक अल्पमत की सरकार चला रहे हैं, उनकी मनमानी नहीं चलेगी। लेकिन अभी वो मान नहीं पा रहे हैं, उनके अंदर अभी वही घमंड है, उन्हें लगता है 293 के की ताकत पर वो 233 वाले विपक्ष को दबा लेंगे, मनमानी कर लेंगे। अगर उनकी नीयत साफ होती तो कल जिस वक्त राजनाथ सिंह ने बात की थी खड़गे जी से, उसी वक्त क्लियर होता कि आप हमारे अध्यक्ष का सपोर्ट कीजिए, उपाध्यक्ष का नाम बताइए। लेकिन वो परंपरा नहीं हुई। अब मोदी जी ने एक तरफ तो आप समझिए कि राजनाथ सिंह जी की क्या स्थिति बनी, उनका अपमान अलग है, उन्हें बात करने भेज दिया और उसके बाद वो मुंह बंद करके बैठ गए। राहुल गांधी कह रहे हैं कि हमारे नेता का अपमान है, लेकिन बेचारे राजनाथ से तो कोई पूछे कि उनका कितना अपमान हुआ। ये उनको हरकारा बना दिया, मैसेंजर बना दिया, वो भी पूरा मैसेज नहीं है। दरअसल क्या है, नरेंद्र मोदी अभी तक ये नहीं समझ पा रहे हैं कि वो एक लोकतंत्र का नेतृत्व कर रहे हैं, लोकतांत्रिक देश के मुखिया। 10 साल से उन्होंने मनमानी की, जो वो चाहते थे वो उन्होंने कर लिया क्योंकि विपक्ष कमजोर था। जिस तरह की भाषा देश के प्रधानमंत्री ने 10 साल में बोली, संजय जी मैंने तो अपनी जिंदगी में ऐसे पहले कभी नहीं सुना था। सबसे बड़ा सवाल अब यह है कि क्या नरेंद्र मोदी अपने अंदर लचरपन लाएंगे, थोड़ी जिसको कहते हैं फ्लेक्सिबिलिटी लाएंगे, वो अभी नहीं दिख रही हो। और अगर फ्लेक्सिबिलिटी नहीं आई तो अब ये मान लीजिए कि सबसे बड़ी समस्या है। हाँ संजय, कुछ कहना चाहते हैं कहिए आप। संजीव नहीं नहीं मैं कहना नहीं चाह रहा, मैं सुन रहा हूँ आपकी बात, आप कंटिन्यू करिए। ओम बिरला जा रहे हैं अपनी सीट पर, सत्ता पक्ष के नेता और नेता प्रतिपक्ष दोनों उनको लेकर गए हैं सदन में, और ये एक अद्भुत सीन है जब मोदी के साथ राहुल गांधी। ये सीन मोदी जी को एकदम पसंद नहीं आ रहा होगा कि राहुल गांधी उनके साथ खड़े हैं, लेकिन ये सदन में 10 सालों के बाद ये तस्वीर दिखाई दे रही है कि राहुल गांधी उनके साथ हैं, ओम बिरला से हाथ मिलाया और मोदी के साथ राहुल खड़े हैं, ये बात बिल्कुल बिल्कुल पसंद नहीं आई होगी। बराबरी पर खड़े नहीं, ध्वनि 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 मत से, ध्वनि मत से, ध्वनि मत से चुन लिएगा, मतलब ये भी इसका कुछ निकाला जा सकता है, निकल सकता है कि रात भर में कुछ ना कुछ ऐसा हुआ है जिसमें प्रतिपक्ष ने शायद उनको कहीं कह दिया गया हो कि नहीं मत चिंता करिए, आपको डिप्टी स्पीकर पद दे देंगे, शायद हो सकता है, क्योंकि जिस तरीके का दबाव है ये भी संभावना है, बहुत प्रबल है, नहीं तो इतनी आसानी से। ये बहुत अच्छा संकेत भी दे दिया विपक्ष ने कि देखिए हम लड़ा रहे थे लेकिन हमने मान लिया कि हम नहीं हम कर रहे विरोध, अब आपको समझ में आ जाना चाहिए कि हम कर सकते थे, चुनाव नहीं कराया, एक चाल चल के। और उन्होंने इंडिया गठबंधन ने एक बड़ा दांव कर दिया, देखिए प्रधानमंत्री पानी पी रहे हैं, एक बार राहुल गांधी के साथ क्या चले आए, पानी पीना पड़ गया सदन में। ओम बिरला ध्वनि मत से स्पीकर चुने गए और प्रधानमंत्री जी राहुल गांधी के साथ चंद कदम क्या चले कि प्रधानमंत्री को पानी पीना पड़ गया। अरुण जी क्या लग रहा है, ये अभी राहुल गांधी सदन में पानी और पिलाएंगे मोदी जी को? देखिए पहली बार संजय भैया आप ये देखिए कि पहली बार नरेंद्र मोदी और राहुल एक लेवल पे चल रहे हैं। वो सदन के नेता हैं तो वो विपक्ष के नेता हैं, दोनों का कद बराबर है, सदन के भीतर हक बराबर है दोनों के। तो अब तो सबसे बड़ी तकलीफ नरेंद्र मोदी को ये होगी कि राहुल उनके बराबर आ गए। जिस आदमी को वो 10 साल पप्पू कहते रहे, वो पप्पू उनके सामने सीना तान के खड़ा है और वो अब उसे अनदेखा नहीं कर सकते, इसलिए ये पानी पी रहे हैं। अब पानी पी पी के क्या करेंगे, पहले पानी पी पी के कोसते रहे, अब उस चीज को बचाने के लिए पानी मांग रहे हैं। अपने इलाके में कहावत है कि पहले दिन ही पानी मांगे तो 4 कदम चले और पानी पे आ गए। सबसे बड़ी समस्या ये है कि नरेंद्र मोदी बर्दाश्त नहीं करते, तो उनको राहुल गांधी को वो कैसे बर्दाश्त करेंगे, ये आने वाले समय में हमें देखना होगा। क्योंकि इससे पहले तो अगर कैमरे में कोई परछाई आ जाए, आप याद करिए राहुल सदन के भीतर मोदी से गले मिलने गए थे और वो सीन आज तक याद है कि वो ऐसे हाथ कर रहे थे जैसे कि कोई बड़ी अजूबा बात हो गई। अरे भाई भारत में ये परंपरा है, अगर वो उठ के गले मिलने उनकी सीट तक गए थे, वो खड़े भी नहीं हुए थे, वो दृश्य भी याद करिए। अब तो बराबर पे हैं, ध्वनिमत से प्रस्ताव उन्हें लोकसभा का अध्यक्ष चुन लिया गया, बहुत अच्छी बात है, टकराव का कोई अर्थ भी नहीं था, क्या तय हुआ है क्या नहीं अभी सामने आएगा। लेकिन पहली चीज ये है कि कहीं ना कहीं नरेंद्र मोदी ने
सरेंडर तो किया है, कहीं ना कहीं विपक्ष की बात मानी तो है, अन्यथा अभी चुनाव हो रहा होता। और इसके लिए पहले इसको कहते हैं पहली जीत राहुल गांधी की या विपक्ष की, इंडिया गठबंधन की, इंडिया गठबंधन की ये पहली जीत है जो ध्वनिमत से ये हुआ है। अगर आप ये मान लीजिए कि आगे आने वाले दिनों में संजय भाई अगर इन्होंने नहीं एडजस्ट किया तो ये सत्र, ये सदन नहीं चलेगा। अब ये अब पुराने उनको याद कीजिए, गृह मंत्री हाथ दिखा के ए बैठ जा तू चला जा, वो विदुड़ी जी जो है वो माँ बहन की गाली तक नहीं दे लिए थे। इसके अलावा सांसदों के साथ, विपक्ष के सांसदों के साथ सत्ता पक्ष का व्यवहार ऐसा था कि जैसे कि गली के गुंडे धमकाते हैं सत्र के भीतर। देश में ऐसी भाषा सत्तारूढ़ की कभी, सत्तारूढ़ दल के सदस्यों कभी नहीं देखी। अब वो नहीं होगा, अब अगर आप एक बोलेंगे तो तीन सुनेंगे। और सबसे बड़ी बात यह है कि जो दल, चाहे कांग्रेस हो, चाहे समाजवादी पार्टी हो, चाहे तृणमूल कांग्रेस हो और चाहे डीएमके हो, सबके पास वो नंबर है कि अगर एकजुट हो गए तो 240 पे तो भारी पड़ने ही वाले हैं। और ये भी मान लीजिए कि एनडीए के लोग सदन के भीतर, मुझे नहीं लगता कि ललन सिंह अपनी कुर्सी से खुश होंगे, और जो टीडीपी के एमएलए एमपी आए हैं जो हैं वो लड़ाई में मोदी का साथ नहीं देंगे, सत्ता के भागीदार हैं वो। सदन के भीतर अगर दादागिरी होगी तो इन 240 को ही मुकाबला करना है। और मुझे ऐसा लगता है कि 240 पे ये 233 हर दृष्टि से बहुत भारी पड़ने वाले हैं। अब बिना संयोग, बिना तालमेल, बिना सम्मान सदन नहीं चल सकता, अब ये नहीं हो सकता। अब सबसे बड़ी चीज तो ये कि आज स्पीकर चुने जाने के बाद ओम बिरला को भी अपने आप में बदलाव करना होगा। अब उनकी आंखें जो सत्ता पक्ष में प्रधानमंत्री पे टिकी रहती थी, उधर से जो इशारा मिलता था उसके बाद वो काम करते थे, वो उनको अब सामने देखना होगा और ये साबित करना होगा कि सदन के सभी सदस्यों के लिए वो एक जैसे हैं, वो निष्पक्ष होकर काम करेंगे तभी वो सदन चला पाएंगे, अन्यथा उनको भी बोलने का मौका अब नहीं मिलेगा। ये सबसे बड़ी चीजें इस वक्त की हैं कि मोदी झुके हैं और बदलना बिरला जी को पड़ेगा। बिरला जी अगर नहीं बदले तो फिर बिरला जी चिल्लाते रह जाएंगे, उन्हें कोई सुनेगा नहीं और सदन में कोई भी किसी भी तरह का कोई बिजनेस नहीं हो पाएगा। अब याद करिए, मैं उन दिनों सदन में था जब 2G को लेकर के बीजेपी ने नहीं चलने दी, मैं कवर कर रहा था, तो वही अब वही स्थिति बनेगी अगर जरा सी भी गड़बड़ हुई तो। और इसके लिए सबसे बड़ा, फिर घूम के बात वही आती है कि समझौता तो नरेंद्र मोदी और अमित शाह को करना होगा। बिल्कुल ठीक बात है संजीव जी। बहुत अरुण जी ने एक बड़ी मार्के की बात करी है कि अब ओम बिरला की वो स्थिति नहीं रही और गृह मंत्री की वो स्थिति नहीं, बैठ जाओ धमका के कहते थी, करते बैठ जाओ, और वो जो इशारा होता था वो बिल्कुल डॉन वाला इशारा होता था गृह मंत्री का, तो अब वो स्थिति, तो ये बात बिल्कुल ठीक है कि वो स्थिति नहीं रही। लेकिन इन स्थितियों को प्रधानमंत्री कैसे बर्दाश्त करेंगे? आज जरा सा चंद कदम चले राहुल गांधी के साथ और पानी मांग गए, मतलब लोग भाषा में ये कहते हैं पानी पीने को, खैर खराब बात नहीं है, थोड़े चले होंगे, थोड़े तनाव में होंगे कि राहुल गांधी के साथ चलना पड़ रहा है। सैकड़ों करोड़, हजारों करोड़ रुपए खर्च किया था संघ ने, बीजेपी ने, ऐसा आरोप है, ऐसी चर्चाएं हैं कि राहुल गांधी की छवि पप्पू बना दी जाए। बड़े बड़े मीडिया हाउस, बड़े बड़े कारपोरेट हाउस राहुल गांधी को पप्पू बनाने में तरे हुए थे, लेकिन पुतिन की तरह पप्पू पुतिन बन गया। अब वो जो पहली बार सदन में राहुल गांधी साथ में चलते हुए नजर आए, और आज कुर्ते पजामे में भी, आज वो टी शर्ट में भी नहीं है, आज वो नेताओं वाली भूमिका में, अगर आप राहुल गांधी की वेशभूषा पे बात करें तो आज वो नेताओं वाली भूमिका में आए। आमतौर पे वो, मैंने देखा है कि वो आमतौर पे जीन्स में और टी शर्ट में आ जाते थे, लेकिन आज वो नेता लग रहे हैं। तो ये जो नेता बनने का क्रम है राहुल गांधी का, प्रधानमंत्री के साथ चलने का, और जो तस्वीरें हैं उसमें प्रधानमंत्री कोशिश कर रहे हैं कि वो राहुल गांधी की तरफ देखे भी ना, लेकिन अब देखना तो पड़ेगा, अब उस पुतिन को देखना तो पड़ेगा। क्या मानते हैं आप संजीव जी? ना केवल देखना पड़ेगा बल्कि दोनों बराबरी से खड़े भी नजर आए। वो आपने दृश्य देखा ना कि उन्होंने पहले हाथ मिलाया स्पीकर से और फिर खड़े हुए, और उन्होंने जो भी उनकी मजबूरी भी कहिए और ये संवैधानिक जो व्यवस्था है, नेता प्रतिपक्ष जो है इक्विवेलेंट होता है सदन में, उसकी जो भूमिका है वो सदन के लीडर के बात की होती है और उनको जब चाहे तब खड़े होके बोल सकते हैं और सारी बातों के लिए उन्हें भी प्रिविलेज मिलता है, तब बहुत पावरफुल स्थिति में। और दूसरी बात देखिए, बॉडी लैंग्वेज बहुत कुछ कहती है संजय सर। हम लोग देख रहे हैं जब से चुनाव के नतीजे आए हैं,
वो बीजेपी के चाणक्य के क्या हाल है, वो कैसे चहचहाते थे, किस अंदाज में फटकारते थे, और जो वो गोदी मीडिया के लोगों को जो एक सीधे सीधे लज्जित किया करते थे, बस भाई अब बहुत हुआ, छोड़िए, हटिए, जाइए, तो उनकी वो चहचहाट, उनकी आवाज ही बंद है। तो बहुत कुछ नजर आता है जब हम पॉलिटिक्स में होते हैं, ना भी बोलिए तो आपकी बॉडी लैंग्वेज, जो आपने बात की, हम लोग पा रहे हैं, देख रहे हैं लगातार उनके जो चेहरे पर अवसाद है, उनके चेहरे पर जो हार उनकी सचमुच में हो गई है, 370 या उसके पार बीजेपी, 400 पार एनडीए, तो वो जो मुलम्मा है वो उतर गया। लेकिन जो अभी अरुण सर ने कहा कि रस्सी जल गई पर ऐठन नहीं गई, लेकिन ये बहुत ऐठन अब होने वाली नहीं है, और हमने पाया जब रस्सी जलती है तो धीरे धीरे राख में तब्दील हो जाती है और वो राख धूल में मिल जाती है। अगर आपको जैसे हम मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा था कि मैं तो फिनिक्स पक्षी की तरह हूं जो उस राख से बार बार उठ के खड़ा हो जाता है, और वो खड़े हैं अभी, वो भी नंबर 5 पर हैं, और उनका अंदाज भी हमने देखा पाया है कि अब ये जो चेहरे उतरे हैं, ये जो चेहरे मुरझाए हुए हैं, इनकी जो अवसाद है वो उससे इतर है। तो यही स्थिति अब राहुल गांधी जी की है। और आपने जो बात की कि देखिए उन्हें पप्पू वाली छवि से बहुत पहले पार पा लिया है, वो भले ही लाखों करोड़ रुपए या जो पूरे का पूरा एक टीम लगती थी जिसको लेकर एक जो आरोप आपने बात कही, बिल्कुल वो आरोप सही थे, पूरी कोशिश हुई, लेकिन वो जो दो यात्राएं रही राहुल गांधी की, उस दो यात्राओं ने देश का दिल जीत लिया। और जो वो बार बार कहते थे कि भाई मोहब्बत की बात है, हमें नफरत हटाना है, मोहब्बत की जो दुकान है, वो मोहब्बत की दुकान आज बहुत एक हम कह सकते हैं कि पूरे के पूरे शोरूम या एक मॉल में बदल चुकी है, वो मॉल हो गया है मोहब्बत की दुकान। अब वो जब अभी अवसर आएंगे, ये तो बहुत हम लोग कह ही रहे थे कि देखिए ये ऐसा अवसर है कि उन्होंने अपना एक जो उनकी नैतिक जीत हो गई है, पहली जीत हो गई है, जो अरुण जी ने भी कहा कि उन्होंने अपना वो जो मोहरा आगे बढ़ाकर, होता है शतरंज में कि ढाईगर चलता है, शह दी जाती है, और जब देखते हैं सामने वाला जो प्लेयर है वो थोड़ा सा कहीं मायूस हो रहा है, तो उस मायूसी में कहते चलिए आपको एक मौका और देते, हम चाल वापस लेते। वही कुछ अभी इस स्पीकर के इलेक्शन को लेकर राहुल गांधी ने बड़ा दिल दिखाया, मोदी जी ने बड़ा दिल नहीं दिखाया। यदि मोदी जी पहले ही बड़ा दिल दिखा देते तो शायद ये संसद के पहले सत्र के तीसरे दिन शे और मां जैसा उन्हें एहसास नहीं करना पड़ता, नहीं उन्हें लज्जित होना पड़ता। एक लज्जाजनक स्थिति रही कि छोड़ दिया गया कि चलिए आपको छोड़ा, एक चांस और देते हैं आपको, और अब ये अवसर यदि ये नहीं सुधरते हैं, नहीं मानते हैं, तो बार बार आएंगे, बार बार कठिनाई होगी, और बार बार आपको फिर ढाईगर जो घर चलेगा घोड़ा वो वापस नहीं होगा, फिर शह होगी और मात होगा। संजय सर बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। प्रधानमंत्री ने कहा, बधाई देते हुए कहा कि ओम बिरला हर कदम कीर्तिमान गढ़ते रहते हैं, सराहना कर रहे हैं प्रधानमंत्री ओम बिरला के कार्य की, और ये ओम बिरला भी मन मन मुस्कुरा रहे हैं कि इस बार तो जरा मुझे कांटों का ताज मिला है, बहुत संभल के बैठना पड़ेगा। ओम बिरला को भी समझ आ रहा होगा कि यह वो पिछला वाला सदन नहीं है जहां वो आराम से चला दिया करते थे, विपक्ष को डांट दिया करते थे, विपक्ष को निलंबित कर दिया करते थे। अब तो विपक्ष को निलंबन करके सांसद को, दो सांसद को निलंबित किया तो पूरा 230 सांसद 240 में इसलिए कर रहा हूँ कि अब मुझे लगता नहीं है कि तृणमूल और के साथ तो इंडिया रहेगी इंडिया गठबंधन, लेकिन मुझे लगता नहीं है कि नायडू और नीतीश ऐसे किसी कदम का समर्थन करेंगे। थोड़ा प्रेशर पॉलिटिक्स वो भी रखेंगे, उनके संबंध दोनों के अच्छे रहे हैं, विपक्ष से कोई ऐसी लड़ाई नहीं रही है। क्या लग रहा है अरुण दीक्षित जी, ओम बिरला चुन तो गए लेकिन कांटों का ताज है, कैसे निभा पाएंगे इस कांटों के ताज को ओम बिरला? संजय भाई मैं यही कह रहा था कि जरा चेहरे देखिए, जो कैमरे पर देख रहा था मैं, नरेंद्र मोदी का चेहरा देखिए, उनके पीछे बैठे मंत्रियों का, किरण रिजिजू, ऐसा लग रहा है कि अब क्या बोले, पीछे चाहे जितेंद्र प्रसाद हो, चाहे प्रहलाद जोशी हो, चाहे वो मेघवाल हो, इनके चेहरे देखिए, इसे समझ में आ रहा है कि जीत भी हार के साथ है, कोई ना कोई समझौता हुआ है। मोदी जी बोल जरूर रहे हैं, मोदी जी तारीफ कर रहे हैं, अब ये मोदी जी तो उनकी मजबूरी है कि ओम बिरला का नाम उन्होंने आगे बढ़ाया है, और उन्हें अभी भी ये उम्मीद होगी कि ओम बिरला वही सब करेंगे जो उन्होंने 2019 से 24 तक किया है। और बिरला जी इसलिए मुस्कुरा रहे हैं क्योंकि जिस कुर्सी पर जाके अब बैठे हैं वो, उस कुर्सी में कितने कांटे हो गए हैं, वो महताब से ज्यादा, महताब तो दो दिन के लिए थे, अब बिरला जी को महसूस हो गया होगा, और थोड़ी देर बाद ये सदन चलने दीजिए, आज ही इस बात का प्रमाण मिल जाएगा कि बिरला जी ने अपना रवैया बदला है और वो बदले हैं, क्योंकि मोदी जी के चेहरे पे कोई
ना तो मुस्कुराहट है ना कोई भाव है। इसका मतलब यह है कि मोदी जी बर्दाश्त नहीं कर पा रहे हैं। जीत उनकी हुई है लेकिन जीत में हार छुपी हुई है। या तो विपक्ष के लिए कोई उपाध्यक्ष पद तय हो गया है, क्योंकि उपाध्यक्ष की बहुत बड़ी भूमिका होती है। हम लोग कल से इस पे चर्चा कर रहे हैं। लोकसभा का उपाध्यक्ष बहुत मायने रखता है और 10 साल कमोबेश खाली रख के काम चला लिया इन्होंने, तो वो जो काम आदत पड़ गई है, इतनी जल्दी नहीं जाएगी। लेकिन मैं चेहरे पर जो तकलीफ है नरेंद्र मोदी की, उसको देखिए। बिरला जी मुस्कुरा रहे हैं, बिरला जी को तो मालूम है कि होना क्या है, क्योंकि उनकी तकलीफ को तो वो रोए भी तो कुछ नहीं कर पाएंगे बेचारे, क्योंकि अब उन्होंने कांटों का ताज पहन लिया है। और उसमें कितनी चीजें हैं, कितनी भाषाएं आएंगी। देखिए, शुरू होगी तमिलनाडु से, तो तमिल आएगा, बंगाली आएगा, फिर यूपी के ठेठ लोग आएंगे समाजवादी पार्टी के, और कांग्रेस का तो पूरा है। अब इनका सबका मुकाबला, पहले आप देखिए हाउस में बीजेपी की बड़ी टीम यूपी से थी, वो यूपी के लोग जो आप याद करो कि हुल्लड़ ब्रिगेड थी, वो हुल्लड़ ब्रिगेड तो आधी हो गई। अब जो आए हैं उन्हें पता है कि जो सामने बैठे हैं वो बहुत भारी है, और उनको ये भी पता है कि अगर चुनाव आयोग और बहन मायावती ने मदद नहीं की होती तो 10 का आंकड़ा पाना मुश्किल था। ये सारी चीजों का एहसास है, आप भी जानते हैं कैसे कैसे 10-12 सांसद तो जिताए एडमिनिस्ट्रेशन ने, तो ये चीज सब पता है। और उसका एक एक भाव आपको अगले आने वाले दिनों में सदन के भीतर दिखाई पड़ेगा। आज अगर कैमरा घूमेगा लोकसभा का तो जो चेहरे दिखाई पड़ेंगे सत्ता पक्ष के, उधर देखिए और विपक्ष की मुस्कान देखिए। तो ये शुरुआत हो गई है। विपक्ष ने बड़ा दिल दिखा के ओम बिरला जी का समर्थन तो कर दिया, लेकिन ये पक्का है कि बिरला जी अब बिरला जैसा जैसा नाम है देश में टाटा बिरला, वो बिरला नहीं रहे। अब बिरला जी को दुकान पे बैठ के ठीक से काम करना पड़ेगा। ये नहीं हो सकता, जिसको कहते ना भाजी मार लो बाट पलट दो, वो नहीं होगा। अब बहुत निष्पक्षता से करना होगा और इसको साबित करना होगा, अन्यथा एक बात समझिए कि रोज रोज की जो परिस्थिति बनने वाली है डे टू डे बिजनेस में, जो दादागिरी करते थे लोग सदन के भीतर सदन के बाहर, आप देखिए पार्लियामेंट के परिसर में जो अभी संजीव कह रहे थे मीडिया, एक तो सबसे बड़ी परंपरा ये शुरू हुई है जो नया मीडिया आया है, क्योंकि हमारा आपका जो जमाना था बुलाते थे हाथ से, नेताओं से बराबरी पे बैठ के बात करते थे, आज भी आप और हम करते हैं, लेकिन ये वाला मीडिया सर 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 कंधे नीचे करके बिल्कुल पीछे दौड़ते हैं। अमित शाह भोपाल में आए थे, उनसे ऐसे सवाल पूछा था कि जवाब नहीं दिया चले गए। वो बाकी चीजें अब बदलेंगी, और इस ये जो चीज है इसका असर सबसे पहले आएगा तो सत्ता पक्ष पे आएगा, उसके बाद उस गोदी मीडिया पर भी आएगा। थोड़ा थोड़ा आया है, अब आगे आने वाले दिनों में ये देखना है, क्योंकि अब जो लोग चुन के आए हैं लोकसभा में उन्होंने पिछली बार इनके काम देखे हैं, भाई कैसे एजेंडा सेट कर देता था मीडिया, कैसे किसी चीज को लेके उल्टे चल पड़े तो चल पड़े। अब आज कोई बात नीट पर नहीं हो रही है, क्यों नहीं हो रही है? छोटी छोटी चीजों पर तो बहुत चिल्लाते थे। मध्य प्रदेश में इतना बड़ा नर्सिंग घोटाला है, उसकी पूरी छाप जा रही है, पूरा उसका असर जा रहा है दिल्ली पे। व्यापम और नर्सिंग घोटाले मध्य प्रदेश की देन है, उन्हीं के चलते नीट हुआ है, पर राष्ट्र का मीडिया नहीं उठा रहा है। हम और आप बात कर रहे हैं, अभी भी यहाँ ऐसी चर्चाएं हैं कि जो मंत्री फंस रहे हैं नर्सिंग घोटाले में, उनसे दिल्ली ने कीमत वसूल ली है, इसलिए सब कुछ चल रहा है। तो ये जो चीजें हैं ये सब अब सदन में भी दिखाई पड़ेंगी। ठीक है, मध्य प्रदेश का एक भी विपक्षी सांसद नहीं है मध्य प्रदेश से, लेकिन जो 233 हैं वो पूरे देश का प्रतिनिधित्व करेंगे, और मोदी जी के चेहरे पे अभी भी मुस्कुराहट नहीं है। ये भाव नहीं है कि उनका अध्यक्ष चुना गया है, वो पीछे बैठे लोगों को देखिए। एकदम सही कह रहे हैं, एकदम सही कह रहे हैं। उदासी लग रही है अरुण दीक्षित जी। संजीव जी, क्या लग रहा है कि जब सरकार के खर्चों की समीक्षा कर सकता है, सरकार के खर्चों पर सवाल उठा सकता है नेता प्रतिपक्ष, राहुल गांधी को आप क्या देखते हैं? राहुल गांधी इस भूमिका का निर्वहन कैसे करेंगे? राहुल गांधी तेज तर्रार हैं, पहले भी जो ज्वलंत मुद्दे उठाते रहे हैं वो सरकार को बड़ा असहज करते रहे हैं, लेकिन तब तो वो मैदान में सड़क पे उठाते थे, सरकार का मन है जवाब दे, सरकार का मन है जवाब नहीं दे। लेकिन आपको सदन में पूछेंगे तो आपको नेता प्रतिपक्ष को जवाब देना पड़ेगा।
अफसरों को बताना पड़ेगा, क्योंकि वो अब नेता प्रतिपक्ष हैं, उनका ये हक है। तो राहुल गांधी की इस भूमिका को संजीव जी आप कैसे देखते हैं और क्या होगा फिर इसके बाद? नहीं देखिए, आप बिल्कुल सही कह रहे हैं संजय सर कि राहुल गांधी के पास में, राहुल गांधी देखिए हमने पूरे हर चीज में अपडेट नजर आते हैं, अपडेट रहते हैं और बहुत उनके जो है बहुत ठोस बातें करते हैं, वो हवा हवाई बातें नहीं करते हैं। जो चीजें उन्होंने पूरे चुनाव के दौरान कही वो अपील करी है लोगों को, ये अलग बात है कि वो उतना वोट में तब्दील होने में कुछ छोटी छोटी कसर रही, और उसके साथ साथ कई चीजें ये भी निकल कर आई कि क्या कुछ पीछे हुआ, कैसे रोल प्ले किए जो जहां जहां राज्यों की सरकारों में सत्तारूढ़ दल बीजेपी जहां था क्या कुछ हुआ, खैर वो अलग बात है। लेकिन आप जो कहते हैं कि अब संसद में ये भूमिका जो उन्हें मिली, इस भूमिका ने उन्हें इतने सारे अधिकार दिए हैं कि अब उन्हें, और दूसरी चीज ये भी कि वो एक पढ़े लिखे एक विद्वान नेता है, उनके पास में जितना अनुभव रहा है और वो एक ऐसे परिवार से आते हैं उन्हें वो छुपा भी हुआ नहीं है, चाहे वो नेहरू जी से लेकर और उनके पिता श्री राजीव गांधी जी, सोनिया गांधी जी, राजीव जी भी नेता प्रतिपक्ष रहे, सोनिया जी भी नेता प्रतिपक्ष रही, तो उन्हें बहुत कुछ सीखा हुआ है और उनको पूरी की पूरी नियम प्रक्रिया पता है, कोई उन्हें बना नहीं सकता है। आमतौर पर कई बार हमने ऐसा भी देखा या पाया है कि नेता प्रतिपक्ष एक शोभा की सुपारी सी भी कई बार रहते रहे हैं, उन्होंने अपने उन जो अधिकार थे या जो उन्हें संविधान ने जितनी शक्ति दी थी उनका उपयोग प्रयोग करते नहीं दिखे थे, ये एक आम आरोप कई बार रहा है। लेकिन अब राहुल गांधी निश्चित तौर पर ये जो सिरदर्द या जो इनके जो चाहे मोदी जी हो या वो जो अभी अरुण जी बात कर रहे थे कि ट्रेजरी बेंच पे बैठे जितने मिनिस्टर्स हैं उनके चेहरे पे जो हवाइयां उड़ी, हवाइयां उड़ने की वजह ये भी होगी कि अब कुछ छुप नहीं पाएगा, और वो जो जिस बहुत निश्चल और निष्प्रभ भाव से राजनीति करते हैं, कुछ छुपाते या कुछ ऐसा नहीं करते हैं, शायद यही वजह है कि उन्होंने भरोसा जीता है। कोई हम लोग बार बार बात करते थे कि ये देखिए आप जब चुनाव का शुरुआत हुई थी 2024 के, तो चुनाव के दौरान में इसी इंडिया ब्लॉक को लेकर क्या क्या मजाक उड़ाते थे, खुद मोदी कैसे मजाक उड़ा रहे थे, खुद उनके नेतागण के सहयोगी कैसे मजाक उड़ा, तो मीडिया क्या कुछ कहता था, गोदी मीडिया इंडिया अलायंस कहता था उसको, अब आज उन्हें इंडिया ब्लॉक कहना शुरू कर दिया है, तो बदलाव साफ नजर आ रहा है। और जो अब ये जब एक्चुअल शुरुआत होगी तो उसमें आप मान के चलिए कि जो उन्होंने बहुत सारी चीजें राहुल गांधी ने अपने प्रचार के दौरान और जो अपने इरादों को जाहिर किया था, अब तो वो हिसाब मांगेंगे। जो ब्यूरोक्रेसी है, ब्यूरोक्रेसी को भी कहीं ना कहीं अब जो सत्तारूढ़ दल से जुड़े अफसर होंगे उनको भी पसीना आ रहा होगा, उनकी भी कहीं ना कहीं दुखदुखी उनमें शुरू हो गई होगी कि क्या क्या बताना पड़ेगा। वो उनके साथ में ये भी होगा कि बताते हैं तो मुश्किल, नहीं बताते हैं तो मुश्किल। और जो हालात अभी हैं संसद में, हमने कहा कि कोई ऐसी मतलब कभी भी ऐसा हो सकता है कि ये बाजी कब पलट जाएगी, कोई भरोसा नहीं है। ये जो साथ में उनके बैठे हैं चाहे वो टीडीपी हो या यूनाइटेड जनता दल हो, इतिहास है नीतीश कुमार जी का, वो तो कितनी पलटियां मार चुके हैं। और जो रिश्ते रहे हैं टीडीपी के जो लीडर हैं चंद्रबाबू नायडू, उनके और प्रधानमंत्री जी के बीच के वार्तालाप किसने भूला है, अभी जो अरुण जी भी बात कर रहे थे कि सब कुछ तो देश ने देखा है, चिराग पासवान ने क्या कुछ नहीं सहा है, उनके पिता की जो तस्वीर लेकर कैसे निकलना पड़ा था बेआबरू होके, तो बहुत सताए हुए लोग हैं। इनके वेस्टेड इंटरेस्ट जब तक पूरे होंगे तब तक ये साथ रहेंगे, और जिस दिन वेस्टेड इंटरेस्ट पूरे होना बंद हुए या कुछ और करने की कोशिश हुई तो निश्चित तौर पर बवाल मचेगा, बवाल मचेगा, सवाल खड़े होंगे, सवाल खड़े होंगे तो टूट फूट होगी। और ठीक है कि अभी तो पहला प्रयास साहेब या उनके दल की ओर से ये होगा कि हम सेंधमारी इंडिया गठबंधन में करें, लेकिन जो अभी परिपक्वता की हम बात कर रहे थे, राहुल गांधी ने जिस तरीके से ममता बनर्जी जी से बात की, 20 मिनट बातचीत हुई, उन्होंने एक मिनट में मान लिया, तो अब ये जितने सताए लोग हैं हमें लगता नहीं है कि बहुत कुछ मदद एनडीए को इनकी ओर से मिल पाएगी। लेकिन हाँ, इंडिया ब्लॉक जरूर इस स्थिति में खड़ा हुआ है कि उनका साथ देने कब कौन आ जाएगा, और उनके जो बीजेपी के अपने दल में भी बहुत सताए लोग हैं, तो अनहोनी जो होने की आशंका है वो सत्तारूढ़ दल के लिए ज्यादा कठिनाई है। और ये जो वक्त यही कहता है, हम आप ओम बिड़ला की बात करते, ओम बिड़ला जो स्थिति पैदा हुई है, आप ये दलील क्या दे रहे थे कि स्पीकर डिप्टी स्पीकर किसी दल का नहीं होता है, सबका होता है, क्या किया 5 साल कैसे स्ट्रोक लगा लगा के एक तरफा पूरी की पूरी विपक्ष को ठिकाने लगाने का प्रयास किया, और उनको तो कहीं ना कहीं जो नैतिक आधार है, नैतिक मूल्य जो कहते थे, वो तो इनको कुर्सी पे बैठने का अधिकार ही नहीं था। लेकिन मैंने फिर कहा कि ये विपक्ष ने बड़प्पन दिखाया कि ढाई घर चला घोड़ा शहदी मात की स्थिति पैदा हुई, उसने अपनी चाल वापस ली कि चलिए छोड़ा आपको। तो अब उनको यदि ओम बिड़ला इस बार भी कुछ इसी तरीके का डिक्टेटरशिप करने का, वैसे तो उम्मीद कहीं से कहीं तक डिक्टेटरशिप कर पाएंगे ना, वो कर पाएंगे ना मोदी कर पाएंगे,
लेकिन इनमें जो छुपी हुई जो एक पीठ पर वार करने की आदत है, पीठ पर वार अब ज्यादा होंगे, सामने वार तो पहले भी कम होते थे लेकिन अब सामने से वार लगभग लगभग नहीं होंगे, पीठ पे वार करने की कोशिश होगी। लेकिन इंडिया गठबंधन के जो पूरे का पूरा धड़ा है, उसके लीडरान है, उनमें जो परिपक्वता है, आप देखिए ना अखिलेश यादव को कैसे नेपथ्य में बिल्कुल वो कंधे से कंधा मिलाकर, एक भी आवाज नहीं है 37 सांसदों की ओर से। यदि हम बात करें ममता बनर्जी 29 सांसदों वाला दल है, कोई आवाज नहीं उठी, वो एक्सेप्ट एक जो कथित जो गोदी मीडिया ने कोशिश की कि देखिए वहां जो है आवाज उठ गई है कि हमसे नहीं पूछा गया। अरे भाई उन्होंने यही तो बताने की कोशिश की, हमें नहीं पता चला उस समय परिस्थितियां ऐसी थी कि हमारे पास वक्त ही नहीं था पूछने का। अरे कोई ऑपरेशन टेबल पे पड़ा दिख रहा है तो पहले उसका ऑपरेशन होगा कि हम अलग अलग बात करेंगे कि क्या हेमोग्लोबिन है कितना, अरे ऑपरेशन करिए ठीक करिए, तो वो हालात रहे। डीएमके साथ है, शिवसेना साथ है, तो ओवरऑल जो हालात है मुझे अब बिल्कुल नजर नहीं आता है कि एनडीए या स्पीकर या प्रधानमंत्री जी कोई बहुत दादागिरी कर पाएंगे। अब यदि दादागिरी होगी बहुत ज्यादा तो विपक्ष की ओर से। मैं अरुण जी की एक बात से थोड़ी सी डिफर बात करूंगा, वो बात यह है कि मुझे बिल्कुल नहीं प्रतीत होता कि हाउस में विपक्ष हंगामे में अपना वक्त खराब करेगा। उसको जितना वक्त मिलेगा मुद्दों पर आधारित बात होगी क्योंकि सब यूनाइट है और उससे सरकार की बहुत परेशानी पड़ेगी। मुझे बहिर्गमन की भी बहुत, और खासकर बॉयकट का तो कतई नहीं लगता जैसे पहले होता था। वो बॉयकट इसलिए करना पड़ता कि संख्या बल हमारे पास बहुत कम था, अब चूंकि 233 का आंकड़ा है विपक्ष के पास और धीरे धीरे आंकड़ा शायद उनका बढ़ना चाहिए जो 16 लोग हैं, तो ये सब मिलकर कह सकते हैं। यदि वो हम देशी भाषा में जो कहावत है कि छाती पर मूंग दलने जैसे हालात होंगे, सरकार की छाती पर ये मूंग जरूर दलेगी, ये जो विपक्ष का पूरा शक्ति है लग रहा है। बिल्कुल, बीच में हमारे साथ मीनू जैन जी जुड़ गई हैं। मीनू जैन बहुत बहादुर पत्रकार हैं, मुंबई में कई बड़ी मैगजीन की संपादक रह चुकी हैं, आजकल उत्तराखंड में। मीनू जी, धोनी मत से स्पीकर चुन लिए गए और वो सीन देखा देश ने जब राहुल गांधी और प्रधानमंत्री दोनों स्पीकर को उनकी चेयर तक लेकर आए। प्रधानमंत्री बड़ा असहज महसूस कर रहे होंगे, आज राहुल गांधी के साथ चलना पड़ रहा है, जिसको पप्पू बना रहे थे वो पुतिन बन गया। तो ये सीन आपको आपको क्या लगता है कि कैसा हाउस का माहौल अब होगा? माइक अनम्यूट कर लीजिएगा मीनू जी। देखिए हाउस का माहौल जो है आज प्रधानमंत्री के चेहरे की भंगिमा और उनके पीछे बैठे जो सांसद है उससे पता चल रहा है। आप देखिए सभी सांसदों के चेहरे उतरे हुए हैं, किरण रिजिजू तो पता नहीं किस चिंता में घुले हुए हैं, और पीछे जो अर्जुन मेघवाल है हर वक्त वो हंसते रहते थे, मतलब ऐसा लगता था कि खिलखिला के हंसते हैं, हर वक्त हंसते ही रहते थे। सबके चेहरे पे चिंता की लकीरें, कोई इस तरीके का उमंग उत्साह जैसा होना चाहिए कि भाई तीसरी बार आ गए हम, तो वो चीज उनके चेहरे पे भाजपा की तरफ जो ट्रेजरी बेंचेस है वहां कहीं दिखाई नहीं दे रही है। और दूसरा बात, मैं तो शुरू दिन से कह रही हूँ भगवा रंग सिरे से गायब है ट्रेजरी बेंचेस से, कहीं भगवा रंग का नामो निशान नहीं है, प्रधानमंत्री के कपड़ों में नामो निशान नहीं है। प्रधानमंत्री बिल्कुल शुरू दिन तो सफेद ही कपड़ों में आए थे और अभी भी कपड़ों का रंग बिल्कुल सब्ड्यूड हो गया है। तो ये बताता है कि इन्होंने समझ लिया है कि बहुत ज्यादा लाउडनेस नहीं चलने वाली है। आप विपक्ष जो है सामने बहुत मजबूत विपक्ष खड़ा हुआ है और उसके सामने अब वो जो अकेला सब पर भारी और 56 इंच और 54 इंच अब वो यहाँ नहीं चलने वाला है। देखिए जो विपक्ष है आप ये देखिए कि वहां पे जो एकजुटता वाली बात है वो आपने जो अभी सीटिंग अरेंजमेंट इस वक्त है जो टेम्परेरी भी कहा जा सकता है उसमें आप देखिए सब मिक्स बैठे हुए हैं, मतलब अगर ये अपने अखिलेश भी बैठे हैं उनके साथ में, अयोध्या के सांसद बैठे हैं, पर ये अपने राहुल गांधी बैठे, पीछे जो महिलाएं बैठी है वो लगभग सभी दलों की इकट्ठे एक जगह बैठी हुई है महिलाएं। ऐसा नहीं है कि भाई हर एक गुट को जो इंडिया गठबंधन का गुट है अलग अलग उनको कि एक सेक्शन में एनसीपी बैठा हुआ है, एक सेक्शन में टीएमसी बैठा हुआ है, एक सेक्शन में अपना ये एसपी बैठा हुआ है, ऐसा नहीं है। मतलब वो दिखा रहे हैं कि हमारी एकजुटता है सामने। तो ये चीज देखने के बाद मोदी जी को डेफिनेटली, देखिए इतने तो वो शातिर पॉलिटिशियन है कि उनको समझ में आ रहा है कि ये भी ठाने बैठे हैं कुछ। और रही बात जो आपने कहा कि अध्यक्ष जो ओम बिरला जी थे उनको उनके आसन तक पहुंचाने के लिए राहुल गांधी गए, तो पता नहीं मोदी जी कितने दिमाग में मन में कितने भाव कलुषित और अच्छे भाव, आई डोंट नो कलुषित भाव आए अच्छे भाव आए होंगे, कितने उतनी देर में जो 2 मिनट लगे होंगे उनको पता नहीं किन मिक्स फीलिंग कितने भावनाओं के उबाल से गुजरे होंगे मोदी जी, और पूरी रील घूम गई होगी सामने कि ये वही पप्पू है ये आज मेरे साथ कदम ताल कर रहा है। देखिए शैडो प्राइम मिनिस्टर है विपक्ष का नेता पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट में, हमने क्योंकि यूके से लिया है तो विपक्ष का नेता शैडो प्राइम मिनिस्टर होता है,
तो आज शेडो प्राइम मिनिस्टर के तौर पे उनके साथ चल रहा है राहुल गांधी। तो ये वो माने या ना माने, शब्दों में माने या ना माने, वो उनकी आदत नहीं है, फितरत नहीं है, लेकिन भीतर खाने भीतर में उनको लग रहा होगा कि ये व्यक्ति अभी तो इसने शुरुआत की है, अभी तो आगाह है इसकी पारी का, अब ये पता नहीं कि डबल सेंचुरी चढ़ेगा कि ट्रिपल चढ़ेगा, ये उनको अभी मालूम नहीं है मोदी जी को। लेकिन डेफिनेटली देखिए जो मोदी जी के भावभंगिमा है या जो उनके सांसदों की भावभंगिमा, वो बता रही है कि ऐसा कुछ नहीं है कि बहुत ज्यादा उनको कोई बहुत ये खुशी के मारे पागल हुए रहते, जैसे कि पहले होता था कि बात बात पे तालियां, बात बात पे मेजे थपथपाते थे, वो सब गायब है यहाँ से। और इनको समझ में आ गया है कि ये तुम्हारा इस तरीके का जो हो हल्ला, लाउडनेस, ये जो ये चीखना चिल्लाना या सामने विपक्षी दलों को दबा देना, प्रॉबेबली ये प्रॉबेबली जो मैं उम्मीद की जाती है कि शायद इसमें कमी आएगी, कंसिडरेबली कमी आएगी, क्योंकि चीखने वाले लोग उधर भी हैं। अगर आप इधर से चिल्लाएंगे तो वहां भी बराबर की आवाज है। पहले तो विपक्ष की आवाज बहुत हल्की आवाज थी, नंबर ही कम थे, और अब जो है लगभग लगभग बराबरी की आवाज है और बोलने वाले नेता है। आप फ्रंट रो में ही देख लीजिए, दो शहजादे बैठे हुए हैं, कितनी शर्म आ रही होगी, जिनको शहजादे करके चिढ़ाते रहते थे, जिनका मजाक उड़ाते रहते थे, वो शहजादे फ्रंट रो में बिल्कुल सामने हर वक्त बैठे रहेंगे, हर वक्त आंख भी चुभेंगे उनकी दोनों, और जब बोलेंगे तो डेफिनेटली मोदी जी को शूल की तरह तो चुभेंगे ही डेफिनेटली। जी बिल्कुल सही कह रहे हैं मीनू जी, बहुत ज्यादा चुभेंगे। और बीच में एक बहुत शानदार पत्रकार हमारे साथ जुड़ गए, हमारे बड़े भाई जैसे हैं, बहुत अच्छा यूट्यूब चैनल चलाते हैं, बहुत अच्छी किताबें लिखी है उन्होंने, हे राम, और देश भर में दुनिया में उनको बहुत ध्यान से गंभीरता से सुना जाता है, आनंद वर्धन जी। आनंद वर्धन जी, आज वो सीन देखा हमने कि जब प्रधानमंत्री के साथ राहुल गांधी आए पीठ तक ओम बिरला जी को लेकर आए, और बहुत अच्छा दांव चला इंडिया गठबंधन ने कि धोनी मत से पास हो गया, एक संकेत भी दे दिया, हम चुनाव लड़ा सकते थे लेकिन हम नहीं चाहते चुनाव हो। क्या लग रहा है आज जब मोदी जी राहुल गांधी के साथ आए होंगे तो मोदी जी को कैसा लगा होगा? मैं कई बार कह रहा हूं अभी पिछले दिनों की जो पप्पू बनाने चले थे पुतिन बन गया, तो वो कैसी कैसी फीलिंग आ रही होगी मोदी जी को, आपको क्या लगता है? नहीं, मोदी जी की मुझे लगता है कि गुस्से ज्यादा उनकी बेबसी पे उनको अपने वो हो रहा होगा, वो बेबस है, और ये पूरा अब जो 18वीं लोकसभा है वो एक बेबस प्रधानमंत्री को देखेगी, ऐसा बेबस प्रधानमंत्री जो 72-74 साल की एज में अपने आदत से तो बाहर आएगा नहीं। मतलब मैं भी इस समय क्या आदत बदलूंगा, अगर मैं कई लोगों का कहना भाई अगर मैं हकलाता हूं तो मैं हकलाऊंगा, अगर मैं तुतलाता हूं तो मैं तुतलाऊंगा, अगर मैं नहीं बोल पाता हूं तो नहीं बोल पाऊंगा। तो वो एक बेबस प्रधानमंत्री के रूप में हम आएंगे, और इसमें कहीं कोई दो राय नहीं है कि राहुल गांधी के आ जाने से कंट्रास्ट और वो हो जाएगा। जैसे अगर कोई बहुत गोरा और काला व्यक्ति अगल बगल खड़ा हो जाए तो वो बहुत कंट्रास्ट हो जाता है, उसी तरह से राहुल गांधी के बगल में जब मोदी जी खड़े हो जाएंगे तो बहुत सी चीजें जो धपी तुपी रहती थी मोदी जी की वो नहीं होंगी। एक दूसरा एक दिक्कत क्या है कि मोदी जी की सारी कुछ टेलीप्रॉम्प्टर है। आज भी आपने अगर देखा तो मोदी जी पढ़ के लिख के लाए थे और उसको पढ़ रहे थे, टेलीप्रॉम्प्टर तो शायद मेरे ख्याल में वहां लगने की सुविधा नहीं है, कुछ ना कुछ मोदी जी अगर रह गए तो कुछ कर लेंगे, लेकिन टेलीकॉप्टर। राहुल गांधी की एक जो सबसे बड़ी चीज है कि उनका कनेक्ट है, राहुल गांधी के पास वो अथॉरिटी है, राहुल गांधी के पास वो अगर मैं आसान शब्दों में कहूं जो मेरे और आपके समझ आए वो संस्कार है। एक तरफ एक संस्कारी व्यक्ति है जो खड़ा होके दूसरे को झुक के भी प्रणाम करने में उसको दिक्कत नहीं है, उसके मुंह से आज तक कोई अमर्यादित शब्द नहीं निकला है। एक तरफ एक ऐसा व्यक्ति है जिसको केवल दूसरे की हंसी उड़ाने में, दूसरे के लिए अमर्यादित भाषा करने में, गंदी टिप्पणी करने में ही उसको रहता है। और मुझे लगता है कि मोदी जी ने जो एक एक कम्युनिकेट करने की कोशिश की थी कि ओम बिरला जी को सामने लाके, अब ओम बिरला जी का इससे ज्यादा मतलब मैं कहूंगा उतना उनका सम्मान क्या हो सकता है जब राहुल गांधी खड़े होकर उनके मुंह पे कह रहे हैं कि भाई हम भी यहाँ पे हैं और उम्मीद है कि जिस तरह से आप सत्ता पक्ष के साथ रहते हैं उसी तरह का व्यवहार हमारे साथ भी करेंगे। और सबसे बड़ी बात उन्होंने कही कि जो मोदी जी जिसको बहुत एम्फेसाइज कर रहे थे, उन्होंने कहा कि रनिंग द हाउस एफिशिएंटली इज नॉट द स्पीकर्स जॉब, आम आदमी की बात सदन में पहुंचे ये स्पीकर का मुख्य काम होता है। और मेरे हिसाब से इन्हीं चीजों में सारी चीजें लिपटी हुई थी। राहुल गांधी ने यह भी कहा कि अगर आप ऑपोजिशन की वॉइस को साइलेंस करके
बहुत अच्छे एफिशिएंटली हाउस चलाते हैं, तो ये शायद बहुत ठीक चीज नहीं है। और इससे ज्यादा और कोई क्या कहेगा। अखिलेश यादव बहुत स्पष्ट शब्दों में कह रहे हैं कि जिस तरह से आप विपक्ष का अंकुश लगाते हैं विपक्ष पे, उम्मीद है कि उसी तरह का अंकुश आप सत्ता पक्ष पे भी लगाएंगे। मुझे लगता है कि इससे ज्यादा और कहने की जरूरत नहीं थी, ये काफी कुछ चीजें सामने दिख रही हैं। मैं एक चीज और कहूंगा, संसद का भी अब बनावट, अब संसद में एक तो सबसे बड़ी चीज है कि मैं आज ये बिल्कुल दावे से कह सकता हूं, अब मोदी जी लोकसभा में दिखाई नहीं पड़ेंगे, अनलेस एंड अंटिल वो जरूरी होगा कि उनको वहां आके बैठना। मोदी जी वैसे ही गायब रहते थे, वो और गायब रहेंगे, क्योंकि वहां एक व्यक्ति ऐसा बैठा हुआ है जिसको देख के उनको मैं कह रहा हूं चिड़ की बात नहीं है, वो उनको एक कॉम्प्लेक्स रहता है। अगर राहुल गांधी कूदे हैं समुद्र में और स्विमिंग कर रहे हैं, तो इनको भी जाना है पाताल में और एक अजीब अजीब तरह की हरकतें करना है, जिससे जो सिर्फ हंसी का पात्र बनते हैं। मतलब उनका एक राहुल गांधी से कॉम्पिटिशन है। अगर राहुल गांधी जी अंग्रेजी बोल रहे हैं, तो ये भी टेलीप्रॉम्प्टर पे कुछ कुछ अंग्रेजी बोलने की कोशिश करते हैं। क्या जरूरत है आपको अंग्रेजी बोलने की, बोलिए हिंदी, बोलिए गुजराती में ही बोलिए। ये मेरे ख्याल में कहीं कोई इसमें दिक्कत नहीं होनी चाहिए अगर देश का प्रधानमंत्री गुजराती में बोले, लेकिन वो अपना तमाशा अपने आप, मतलब जिसको कहते हैं ना अपना जुलूस अपने आप निकलवाते हैं। मैं एक बात और मैं ये बातें इसलिए कह रहा हूं कि ये मोदी जी को भी जितनी जल्दी समझ में आ जाए उतना इस देश के लिए, इस लोकतंत्र के लिए, सबके लिए अच्छा है। मोदी जी जल्दी समझने वाले व्यक्ति नहीं है, उनके पीछे जो बैटरी ऑफ पीपल हैं, जो उन्हीं की भाषा को आगे बढ़ाते हैं, उसी को मैग्निफाई करते हैं, उसका एक छोटा मुलाहिजा कल हो गया था। किरण रिजिजू जी बहुत टोक रहे थे, और क्या मुंह रह गया जब पप्पू यादव ने पलट के कहा कि 6 बार का एमपी हूं और कृपा, तुम सब लोग कृपा पे हो, अपने दम पे आया हूं, 4 बार का इंडिपेंडेंट एमपी। पप्पू यादव अगर ये कह दिए तो अपना सब मुंह लेके रह गए, बोलने की हिम्मत हुई। तो मेरा कहना यह है कि ये जो 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 लोगों का सिर्फ टोटल कंट्रीब्यूशन ये है कि मोदी जी के पीछे पीछे वो हल्ला मचाएंगे। अब मुझे एक ही रोल का जरा, अगर आप लोग मुझे इसमें, थोड़ा बहुत विद्वान लोग बैठे हैं, अगर कोई बता सके, ये जैसे सारे इन्होंने डिपार्टमेंट तो डिस्ट्रीब्यूट कर दिए, मतलब हाउसिंग हो गया, वित्त हो गया, फॉरेन अफेयर्स हो गया, एक जो गांधी गाली देने का डिपार्टमेंट था, उसकी जो कैबिनेट मिनिस्टर अकेली थी वो चली गई, वो डिपार्टमेंट अब कौन संभालेगा? क्योंकि वो मेरे ख्याल में अब मोदी जी, तो देखिए मोदी जी के पास वो कॉम्पिटेंस नहीं है। अब या तो अमित शाह को संभालना पड़ेगा वो डिपार्टमेंट, लेकिन कोई ना कोई तो वो एक वैकेंसी खाली रह गई है, उस वैकेंसी को कौन संभालेगा? अगर आप लोग इसमें से कोई मुझे इस पे थोड़ा ज्ञान दे पाएंगे तो मैं भी अपना ज्ञान वर्धन कर लूंगा। संजय जी, कंगना रनौत है आनंद वर्धन जी, लीजिए राम बता दिया उन्हें कि कंगना रनौत जी नया ट्रेनी तैयार हो रहा है। वो अड़ताएं वो नहीं रखती है जो आप कह रही है, वो अड़ताएं। और इस बार मुझे लगता है जो सर कह रहे हैं आनंद वर्धन सर, कि वो डिपार्टमेंट फिलहाल तो वो अभी दफन हो गया है, फिर कभी देखा जाएगा। वो डिपार्टमेंट शायद मोदी जी उसको जीवित करना नहीं चाहेंगे, क्योंकि वो जीवित करेंगे तो बहुत सारी कठिनाई उन्हें पेश आएंगी रोज रोज। अभी एक जो वायनाड का चुनाव और हो जाए, वायनाड के बाद फिर क्या होगा? 3 गांधी होने वाले हैं अभी, एक तो राज्यसभा में और 2 इधर हो जाएंगे, संभावना है जिसकी बहुत बलवती है। तो अब ये लगता है कि उन्हें चुपचाप ही रहना बेहतर होगा। अगर वो ऐसा कुछ करते हैं तो अपने पैरों पर कुल्हाड़ी मार लेंगे सर। आनंद सर, संजय सर, जी जवाब आपको मिल गया कि कंगना रनौत है वहां पे मुकाबला करने के लिए? ये काम आनंद भाई, ये काम नरेंद्र मोदी खुद करेंगे। वो ये मुझे भी लगता है। अभी आपके जुड़ने से पहले जो बात हो रही थी, इंडिया गठबंधन का नाम किसने बिगाड़ा था? सबसे पहले नरेंद्र मोदी बोले घमंडिया गठबंधन। और जब हम बात करते हैं राहुल गांधी की, तो आप सब जानते हैं देश का वो पहला ऐसा सांसद है जिसने सदन के भीतर जो अपमान भुगता है। देखिए, एक गुजरात में फैसला कोर्ट देती है, उसके बाद सदस्यता खत्म कर दी जाती है, 2 दिन के अंदर घर खाली करा लिया जाता है, सब कुछ हुआ है। ये महुआ मोहित्रा के साथ भी हुआ, लेकिन जो कुछ राहुल तो लौट के उसी सदन में आए, महुआ दोबारा चुन के आई है। तो जो सामने नरेंद्र मोदी के जो जिसको कहते हैं ना कि एकदम टॉर्च लगी है, वो एक तो राहुल गांधी है और दूसरे आप देखिए बगल में अवधेश प्रसाद बैठे हैं, वो हमेशा पहली लाइन में रहेंगे। वो अयोध्या के राम जी ने अयोध्या की सड़कों में गड्ढे खोद रहे हैं, राम जी का नया घर टपक रहा है, वो सारी चीजों की याद, जितना गुजराती घोटाला हुआ है अयोध्या में, वो दिखाने के लिए अवधेश प्रसाद सिंह सामने बैठे रहेंगे। उनके बैठने से नरेंद्र मोदी, जो आपने कहा कभी हाउस में नहीं आएंगे, बहुत मजबूरी हो तो आएंगे, वो नहीं आने वाले। लेकिन गांधी गाली डिपार्टमेंट जो है वो खुद ही चलाएंगे, ऐसी चीजें वो किसी को देने वाले नहीं है।
नहीं वैसे अरुण जी, मेरे मेरी जो जानकारी है कि अगर कोई डिपार्टमेंट नहीं होता है तो वो प्रधानमंत्री के पास ही रहता है। अगर कहीं वो नॉर्मली जो है कि अगर कोई डिपार्टमेंट किसी को नहीं दिया जाता है तो वो प्रधानमंत्री के पास ही रहता है, तो बाय डिफॉल्ट भी वो मोदी जी के पास ही है, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। बिल्कुल ठीक बात है, ये इसी नजर आ रहा है। बहुत बहुत शुक्रिया आनंद वर्धन जी, अरुण जी, मीनू जी, संजीव जी, आपने हमें समय दिया, आभार आप सभी लोगों का। हम लोग बात कर रहे थे कि क्या होगा स्पीकर पद के चुनाव को, और एक बहुत सार्थक चर्चा आप लोगों ने सुनी, उसको यकीन है ये चर्चा आपको पसंद आई होगी। अपनी राय से अवगत कराइएगा, चैनल को ज्वाइन और सब्सक्राइब करिएगा। शुक्रिया, थैंक यू।